नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया फेसबुक के विवाद में फेसबुक को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा है। फेसबुक ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रशासकों के साथ प्रारंभिक समझौता होने की घोषणा की। इसके ठीक एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की संसद ने वो कानून पारित कर दिया जिसमें डिजिटल कंपनियों को खबरें दिखाने के एवज में भुगतान करने का प्रावधान है। फेसबुक ने कहा कि 3 स्वतंत्र समाचार संस्थानों प्राइवेट मीडिया, स्वाट्स मीडिया और सोलस्टिक मीडिया के साथ हस्ताक्षर किए गए। फेसबुक ने एक बयान में कहा कि वाणिज्यिक समझौते के संदर्भ में अगले 60 दिनों में पूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बयान में कहा गया कि ये समझौते श्रेष्ठ पत्रकारिता की नई इबारत पेश करेंगे। इनमें से कुछ पहले की विषय वस्तु के लिए भुगतान भी शामिल है। वहीं स्वाट्स मीडिया की मुख्य कार्यकारी रेबेका कोस्टेला ने कहा कि यह समझौता उनकी कंपनी को स्वतंत्र पत्रकारिता जारी रखने में मदद करेगी। कोस्टेलो ने फेसबुक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई प्रेस में बहुलतावादी आवाजों की आज जितनी जरूरत है उतनी कभी नहीं रही। बता दें कि गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के संसद से न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड बिल को पास कर दिया गया। यह बिल पास होते ही यह साफ हो गया कि फेसबुक को ऑस्ट्रेलिया के सरकार के पास झुकना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से ऑस्ट्रेलिया की सरकार और फेसबुक में काफी विवाद चल रहा था। सरकार चाहती थी कि फेसबुक न्यूज कंपनियों के न्यूज से कमाए गए पैसों को कंपनियों के साथ भी शेयर करे। फेसबुक इसके लिए तैयार नहीं था। अब बिल पास होने के बाद फेसबुक ने 3 ऑस्ट्रेलियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ करार किया है। फेसबुक ने कहा कि यह फिलहाल कमर्शियल एग्रीमेंट है जिसे 60 दिनों के अंदर फुल एग्रीमेंट के तौर पर साइन कर दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।